हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 6 से 1 साल के बच्चे के लिए कैप बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने, देखिए ये डबल फोल्ड में फैब्रिक है, तो इसकी मैंने यहाँ पे इस तरह से चौड़ाई ली 8 इंच और इसकी लंबाई भी 8 इंच। तो इसे अगर खोलेंगे तो इसकी चौड़ाई रहेगी 16 इंच और इसकी लंबाई रहेगी 8 इंच। इस तरह से मैंने इस तरह का ये फैब्रिक लिया है। अब इसे हम, ये ओपन साइड है, ओपन साइड से हम इसे शेप देंगे। तो मैं यहाँ से साढ़े 4 इंच लूँगी और यहाँ से इस तरह से राउंड शेप दूँगी थोड़ा सा। तो इसे हमने ये राउंड शेप दिया इस तरह से। अब इसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसे कट कर लेंगे। देखिए हमने इसे इस तरह से कट कर लिया है, इस तरह आएंगे। अब इसे भी हम उसी तरह थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। तो देखिए डबल ही है और इसे हम इस तरह से हाफ राउंड शेप देंगे और इसे कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से आएगा ये। तो हमें इसकी और एक इस तरह पट्टी चाहिए। तो देखिए हमने इसे वापस एक फैब्रिक पे हमने इस तरह से रखा है। तो हमें 2-2 पीस निकालना है इस तरह से। इसे भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे ये 2-2 पीस निकाल लिए। अब इसे हम इस तरह से राइट साइड पे राइट साइड रखेंगे और इनके राउंड साइड में हम सिलाई लगाएंगे। तो इसे भी हम उसी तरह सिलाई लगाएंगे राउंड साइड में। इसे हम इसी तरह ये रखेंगे। ये देखिए राउंड साइड पे राउंड साइड रखेंगे। जो बड़ा वाला पीस है तो राउंड साइड पे राउंड साइड रखेंगे और यहाँ पे हम इसकी इस तरह से चुन्नटे डालेंगे। तो देखिए इस तरह से चुन्नटे डालेंगे। कितनी चुन्नटे डालेंगे कि इसका जितना नाप आता है उसके अकॉर्डिंग हम, तो ये जितना आया है 12 इंच, तो 12 इंच हम इस तरह से इसकी चुन्नटे डालेंगे। तो जितनी नज़दीक आएगी या दूर दूर आएंगी उतना हम इसकी 12 इंच तक चुनेटे डालेंगे। तो इससे पहले हम एक कच्ची सिलाई लगा देंगे यहाँ से और इसकी इस तरह से छोटी छोटी प्लेटें डाल लेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे छोटी छोटी प्लेटें लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से और 12 इंच तक आएंगे इतना ही हम इसकी प्लेटें यहाँ पर लगाएंगे। तो देखिए हम इस तरह से उनकी चुन्नट डालेंगे। तो देखिए हमने इस तरह से सारी प्लेटें लगा दी। अब इसकी कैप के लिए हम यहाँ से पहले, ये देखिए राइट साइड पे राइट साइड रखेंगे और इसके राउंड में हम सिलाई लगा देंगे, सिर्फ राउंड में लगाएंगे।
देखिए हमने यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नॉचेस लगाएंगे। अब इसे पलट लेंगे। और फिनिशिंग के लिए हम इसके राउंड में एक सिलाई लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे फिनिशिंग की एक सिलाई लगा दी। अब इस तरह से हम इसे खोलेंगे और यहाँ पे देखिए एक साइड से हम सिलाई लगाएंगे। तो एक कोने से लेके इस तरह से इसे अटैच कर लेंगे। पहले एक साइड से हम सिलाई लगाएंगे, बाद में इसे अंदर से सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम एक साइड से इसे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से हम पहले एक सिलाई लगा देंगे इसे। देखिए हमने एक साइड से सिलाई लगा दी। अब इसके रॉन्ग साइड से हम एक साइड की जो है इसे थोड़ा हम फोल्ड करेंगे। थोड़ा फोल्ड करके ये मार्जिन है इसके ऊपर हम इस तरह से रख देंगे और सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने सिलाई लगा दी। अब इसके ऊपर हम एक लेस लगाएंगे। तो देखिए मेरे पास ये वाइट कलर की, आप कोई भी कलर ले सकते हैं। और मैं इस भी यहाँ पे ऊपर से अटैच कर लूँगी। डबल लगाएंगे। अब यहाँ पे हम एक सेंटर को कट लगाएंगे यहाँ पे नीचे के साइड को। और यहाँ भी हम इस तरह से बड़ी बड़ी दो तीन प्लेट डाल लगा देंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से। देखिए मैंने यहाँ पे प्लेटें लगा दी। अब इसको हम डोरी बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे डोरी बनाने के लिए इस तरह की लंबी स्ट्रिप ली है। इसकी लेंथ ली मैंने
ढाई इंच, और आपको जितनी लंबी चाहिए डोरी उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लंबाई ले सकते हैं। तो मेरे पास कम था तो मैंने यहाँ पे इसे दो टुकड़े में ज्वाइन कर लिया है। अब इसे हम ज्वाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सेंटर है, तो सेंटर पे हमने ये जो ज्वाइन किया था तो इसे हम रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, और यहाँ तक हम सिलाई लगा लेंगे नीचे की ओर। तरह दूसरे साइड से भी ज्वाइन कर लेंगे। आप इसे अलग अलग कपड़ों में भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। अभी देखिए हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया इसे। अब इस साइड से हम पहले इसे फोल्ड करेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस साइड से भी फोल्ड करेंगे। आपको जितनी ब्रॉड बनानी है उसके अकॉर्डिंग आप इसे फोल्ड कर सकते हैं, और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सीधी सिलाई लगा देंगे। अब इस साइड को भी हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी कैप बन के तैयार है। ये 6 महीने से 1 साल के बच्चे के लिए आएगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।